नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ ही मोदी सरकार के आखिरी बजट की औपचारिक शुरुआत हो गई। मोदी सरकार के बारे में राष्ट्रपति ने तमाम उपलब्धियां गिनाई, लेकिन इन उपलब्धियों के साथ ही देश की जनता क्या सोचते हैं, इस बार हम पहुंच रहे हैं देश के मुस्लिमों के पास। वो क्या समझते हैं मोदी सरकार इन 5 सालों में, फेल या पास? तो चलिए आप भी हमारे साथ। जिस तरीके से राष्ट्रपति ने सरकार की तारीफ करी है, आप क्या खुश हैं इस सरकार से और 5 साल में आपको क्या दिखाई दिया? मैं कहूंगा कि राष्ट्रपति साहब जो है घूम कर फिर देखा उन्होंने कि भाई कहीं विकास कराया उन्होंने या नहीं। गलियां देख लो, सड़कें देख लो, क्या हाल हुआ पड़ा है। आज ही कहीं पानी की निकासी नहीं है, कोई रोजगार नहीं है, कहीं पर अच्छा कराया उन्होंने, ये तो बताओ आप। जब से GST वो नोटबंदी करी है, 30% लोगों का नोट बदला गया, वो नोट कहाँ गया देश में से, ये बताओ सही। मतलब काला धन वापस आना चाहिए था, वापस आना चाहिए था, वो गया कहाँ, वो इन्होंने हड़प कर लिया सारा। गरीब आदमी मर गया, मर गई गरीब जनता सारी। क्या इस सरकार में गरीब आदमी के भी अच्छे दिन आए क्या? कोई सरकार दिन नहीं आया, ये अच्छे दिन ही, गरीब आदमी भूखा मर रहा और क्या, अच्छे दिन है गरीबों के लिए। तो कमाई तो सारी बंद है, रोजगार ही नहीं है। जब रोजगार नहीं है जी, आप बताओ जी, बताइए हम क्या गए, हम तो यही गए। 5 साल रहे, आपके हिसाब से मोदी सरकार फेल है या पास रहे? नहीं ऐसा देखो, सरकार तो सभी है, ये बुरिया ही नहीं है, कुछ काम अच्छे भी किए हैं, ऐसा नहीं है कि अच्छे नहीं किए, लेकिन कुछ काम आप आगे देखे तो क्या महल की स्थिति है, ये तो उस पर गौर नहीं करी है। बस कह दिया नगा जी विकास हो रहा है, अब देख लो आपके सामने ही है नाला भरा हुआ, पानी निकासी नहीं कहीं भी है। कितने नंबर हैं 10 में? मेरे हिसाब से 0 के 0 है बिल्कुल। अच्छा हाँ, आपके हिसाब से पास नहीं है सरकार? बिल्कुल पास नहीं है, क्योंकि जब रोजगार नहीं है तो कहाँ से नंबर मिलेंगे। आम जनता को देखो क्या हाल बुरा हुआ पड़ा उनका, कारोबार नहीं है, रोजगार नहीं है, कोई विकास नहीं है, पड़े अपना बेरोजगार है घर। ठीक है, आप क्या कहेंगे जी सरकार के बारे में? जी हम तो ये कहेंगे आपको, जनता के लिए तो खनन बंद, जमुना का सीना चीर कर लाते हैं, और जहाँ ये तुम्हारे वो बना रहे हैं क्या नाम, बाईपास फलाने डिगड़े सब कुछ, वहाँ पहाड़ के पहाड़ पड़े, वो अच्छा वो कहाँ से आ रहा खनन उनके लिए, वो नहीं जमुना का, अच्छा मतलब वो कहना सीना चीरा जा रहा। अरे ये सड़क देख लो क्या हाल चाल है, नाला देखो ना सड़क, पानी देख लो जी कैसे, यहाँ अब ये बंद कर क्या, नहीं तो सब पानी पानी रहता है यहाँ रोड पर, तो ये हाल है सरकार के। कितने नंबर 10 में सरकार? हम तो एक भी दे सकते भाई। अच्छा 0 बिल्कुल। मोदी सर अगली बार कौन प्रधानमंत्री बनेगा? बस जी ये तो अच्छा वक्त बताएगा, अभी तो मतलब कुछ नहीं कह सकते। राहुल दिख रहा है, गठबंधन दिख रहा है, कौन? बस जी ये तो वक्त ही बताएगा। आपके हिसाब से अब तो बात हो गई कि वही सरकार ही है, आपके हिसाब से अब अगला प्रधानमंत्री कौन बन रहा है? अभी क्लियर कुछ नहीं कह सकते जी, ये तो आने वाला टाइम बताएगा, कांग्रेस और भाजपा का ये तो क्लियर है। गठबंधन अभी मेरे हिसाब से फैल है, गठबंधन हाँ, मुकाबला मोदी और राहुल का है। हाँ अभी क्लियर नहीं कहा जा सकता, ये तो जनता के ऊपर डिपेंड करता है कि जनता कैसे किस तरफ को वोट अपना डालती है। अच्छा, आज उनका रिपोर्ट कार्ड भी आ गया, राष्ट्रपति ने बड़ी तारीफ करी है, तमाम योजनाओं का जिक्र किया, आपके हिसाब से कैसा रहा मोदी का रिपोर्ट कार्ड? जी रिपोर्ट कार्ड तो लगभग आप देखिएगा, आप हमारे सामने की रोड है और ये अभी तक नहीं बनी, और तो बहुत से ऐसे काम भी है जो उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से किए, तो मैं 10 देना चाहूँगा। अच्छा 10 में से 4 नंबर जी। आप कितने नंबर दे रहे हैं मोदी सरकार को 10 में से? 0। 0 जी, कारण नोटबंदी करी, GST लगा दी, कारोबार खत्म कर दिए, बेरोजगारी का आलम हुआ पड़ा भाई साहब चारों तरफ जी। अच्छा, बहुत बुरा हाल है, लोग परेशान हुए पड़े हैं, नोटबंदी जब से हुई भी देश बिल्कुल ख़त्म हो गया, जैसे GST लगा दी हाल बिल्कुल बेकार हुआ पड़ा चारों तरफ। लोग प्रधानमंत्री कौन बनेगा आपके हिसाब से, किसका मुकाबला है मोदी के सामने? राहुल गांधी। और गठबंधन का क्या दिखाई दे रहा है? बस हमारे जिले में तो कुछ नहीं है गठबंधन का, बाहर के तो हमें पता नहीं क्या होगा बाहर का मामला। अच्छा, मोदी जी इस बार जा रहे हैं कि आ रहे हैं? जा रहे हैं जी, जा रहे हैं जी। आपके हिसाब से फेल रही सरकार, पास रही? फेल हमारे हिसाब से, फेल रही आपके हिसाब से जी। आपका आप क्या समझते हैं किसका मुकाबला है मोदी से? मुकाबला तो मोदी जी का जो है कांग्रेस से है, अगर आप नेशनल लेवल पे देखें,
और यहाँ पे जैसे गठबंधन है थोड़ा उसका जोर भी है क्योंकि फर्क पड़ता है आपको जैसे कि पता है। अच्छा अच्छा, तो अब देखिएगा क्या होता है। क्या होता है जी, आप बताइए जी, कैसा रहा मोदी का काम? मोदी का काम क्या है, तो मजदूर आदमियों को परेशान कर दिया और क्या, तो गरीब आदमी मर गए। सरकार का है पास है भाजी, मेरे हिसाब से तो फैली है। इस बार कौन बनेगा प्रधानमंत्री भाजी? नू तो अगली बात का तो खुदा को पता कौन सा बना। ठीक है जी। यही क्या करें, हम तो कारोबार से बहुत परेशान है, हमारा कारोबार नहीं। हम महीने ड्राइवरी कर रहे हैं, महीने में जाए 10-12 चक्कर लग जाते, 2 चक्कर लगे तो पूरे महीना हो गए घर पे। अच्छा, 10 माह से ये समझ लो कि बस बिल्कुल खत्म ही कर जाना कारोबार से, बिल्कुल कारोबार छोटा ही कुछ नहीं है। हमारी तो गली नहीं है, कोई सुविधा नहीं है किसी तरह की, कोई रोड नहीं था, सारे रोड उठे पड़े, कोई सुविधा नहीं दे रखी किसी तरह की। देखा आपने जनता क्या बोली, मुस्लिमों ने बड़ी बेबाकी से अपनी राय रखी। आप भी बताइए आपको क्या लगता है 2019 में आखिरकार अब क्या होगा और मोदी सरकार के इन 5 साल को कितने नंबर। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और हेडलाइंस इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मुद्दे तो असली यहीं मिलेंगे। नमस्कार।